जालौन से जीवन यादव, पत्रकार की खास रिपोर्ट। तहसील स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जालौन पहुंचे जननायक कर्पूरी सेना के संरक्षक डॉक्टर आई एन कुद्दुसी। प्रशासनिक अधिकारियों पर किया तीखा प्रहार। तहसील स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जालौन पहुंचे जननायक कर्पूरी सेना के संरक्षक डॉक्टर आई एम कुद्दुसी। तानाशाही प्रशासन व आला अधिकारियों के रवैये पर किया तीखा प्रहार। दरअसल आज दोपहर करीब 2 बजे बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार पालकी के दुर्गा मंदिर चौराहे पर जननायक कर्पूरी सेना के संरक्षक डॉक्टर आई एम कुद्दुसी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, जहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद काफिला व्यास मंदिर पहुंच गया और वहां चल रहे कार्यक्रम में जननायक कर्पूरी सेना के राष्ट्रीय प्रमुख श्याम नारायण सिंह ने मौके पर तैनात प्रशासन को चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी व कर्मचारियों को व्यास मंदिर में कसम खिलवाऊंगा और सभी कार्यकर्ता पैदल मार्च करेंगे, अगर प्रशासन जरा भी दिक्कत करेगा तो पूरा प्रदेश आंदोलन के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि न्यायपालिका से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है, कानून सबके लिए है। फिलहाल प्रशासन की काफी फजीहत होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मीडिया के कैमरे से बचते नजर आए और जब जननायक कर्पूरी सेना के राष्ट्रीय प्रमुख श्याम नारायण सिंह ने प्रशासन के भ्रष्टाचार को उजागर किया तो प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई और प्रशासनिक अधिकारी उनको टैंक के पीछे ले जाकर गिला सिकवा कर समझा बुझा कर काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। फिलहाल मामला तो शांत हो गया लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छूट गए। फिलहाल नायब तहसीलदार ने दोषियों पर जांच कराकर कार्यवाही करने की बात कही है, तब जाकर प्रशासन के आला अधिकारियों ने चैन की सांस ली है। यहां पता चला कि भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है तहसील स्तर पर, तो वो उसका हेलो ये लोग सब मिलकर मार्च निकालने वाले थे लखनऊ तक, मुख्यमंत्री के यहाँ तक, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने को अक्षम नहीं पाता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैं खुद जाकर के कहूँगा। ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ना सुने, किसी भी गलत चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं और जांच कराएंगे, ऐसा नहीं है कि वो जांच नहीं कराएंगे। पर इसी बीच में यहाँ पर प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है, तो अभी फिलहाल इसको स्थगित इन्होंने कर दिया है। लेकिन मैं फिर यही कहता हूँ, अगर प्रशासन ने इसको पूरा नहीं किया और भ्रष्टाचार चलता रहा तो फिर और कोई चारा नहीं, मैं खुद लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन जाऊँगा दूंगा और यहाँ के लोगों की आवाज सुनाऊंगा, उठाऊंगा उनके सामने और वो जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। कहना चाह रहे हैं कि माननीय न्यायमूर्ति के नेतृत्व में हम लोग पैदल चलेंगे और हमारे साथ अगर प्रशासन जरा भी नैतिकता करेगा तो पूरा प्रदेश आंदोलन के लिए तैयार हो जाएगा। ये मैं कटिबद्ध हूँ क्योंकि मैंने एसडीएम से भी कह दिया था कि आकर के जो सत्य हो, जो जुनून बात हो, उसको आकर के सारे लोगों के सामने आप पढ़िए, अगर ये गलत है आप जांच कराइए और जांच करा के एक एसडीएम आदेश कर रहा है समाधान दिवस पर और लेखपाल और उसके आदलित कर्मचारी नहीं मौके पर जाते हैं और ये बहाना करके बताते हैं कि नहीं मैं तो गया था वो नहीं मिले। मैंने कहा था कि शपथ खिलवाऊंगा मैं तुमको व्यास मंदिर पर, ये नहीं गए कि आप नहीं गए। किसी को बचाने का काम मत करिए क्योंकि न्यायपालिका से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं, कानून सबके लिए। फिर आप उठा करके किसी को ले जाएंगे और फिर उसको रिसीव कराएंगे कि आप लिख के हमको दीजिए कि हमने आपको सुपुर्द कर दिया, या आपने उस समय लिख करके लिया था कि अब मैं इसको उठाए लिए जा रहा हूं। जननायक कर्पूरी सेना इतनी कमजोर नहीं है और ना इतनी अक्षम है, पूरे भारत में नहीं है, अंतरराष्ट्र में भी जननायक कर्पूरी सेना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रशासन के लोग हैं अपने अधिकारियों को बता दें, यहां पर अधिकारी आए ज्ञापन लें, जो मुद्दे हैं मुद्दे आकर के समझें और सत्य की जांच कराएं और जो दोषी हो उसे दोषी विधिक कार्रवाई कर दंडात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। और अगर मूक दर्शक बन के बैठना है, क्योंकि नौकर है आप राजा नहीं है, आप मालिक नहीं है, आप लोगों की बैठी हुई आपकी मेहनत की कमाई का जो टैक्स सरकार लेती है
उनकी कमाई का पैसा एसडीएम को भी वेतन मिलता है, तहसीलदार को भी मिलता है, थानेदार को भी मिलता है। थानेदार की जेब का पैसा नहीं जाता है, तहसीलदार के एसडीएम के जेब का पैसा नहीं, वो स्वयं अपनी जेब में लेता है। ये आप लोगों का जो एक रुपया है ना मोबाइल का जो रिचार्ज कराते हैं उस पर भी ये टैक्स लेते हैं। जो आप कुर्सी पे बैठे हैं जितनी देर बैठेंगे उस पर भी टैक्स पर टैक्स लेंगे। उस टैक्स पर एक सेवक मालिक बन के काम करे तो मेरा और ये कहना है कि देखिए यही न्यायमूर्ति है जिन्होंने फूलन देवी को सजा माफ की, क्योंकि देखा कि फूलन देवी ने कोई गलत नहीं किया है। आज फिर प्रशासन क्या दूसरा फूलन देवी या दूसरा नगर में गुजर बनाना चाहता है कि व्यक्ति को जहां चाहे उठा ले और वहां उस पर मुकदमा लिखे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है तहसीलदार की, हमारे पास प्रशासनिक रिकॉर्डिंग है जो शब्दों को संबोधन किया है। ये गलत बात है, मैंने सत्ता का सुख भोगा है 5 वर्ष। डीएमआईजी वगैरह आईजी वगैरह आईजी डीआईजी सबकी मेरा गेट दरवाजा खोल सकते, ये प्रशासन को बताना चाह रहा हूँ। और हमें सब तरीके पता है, सब कुछ सारी जानकारियां हैं कि कैसे क्या होता है। अगर आपने कभी हमारे किसी कार्यकर्ता पर अनैतिकता में मुकदमा लिखा दिया तो आप एक लिखाएंगे, हम पूरे उत्तर प्रदेश में हर थाने में एक मुकदमा लिखाएंगे। अगर आपकी क्योंकि ये हमारा एक मुद्दा बहुत कमजोर और निर्मल वर्ग की बात है कि जब भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि मैं सभी का सपना साकार करूंगा, किसी को झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहने दूंगा, तो फिर यहाँ का प्रशासन ने एक व्यक्ति की झुग्गी झोपड़ी नहीं, उसका उसका आवास आया और आने के बाद कैंसिल एक व्यक्ति के कहने से अगर कराया जाए तो ये इस गांव की सारी जांच जिस दिन से प्रधानी शुरू हुई है, कितना किस प्रधान ने काम कराया है, वो जो है पारदर्शिता में, बिल्कुल एक पारदर्शिता में सबके समक्ष लाना चाहिए। ये नहीं कि गोपनीय रजिस्टर बन गया, खरंजा का पड़ंजा बना दिया, 10-1 का मसाला बना दिया, उसमें मोहरम मिला दी, मोहरम की जगह डस्ट मिला दी, डस्ट की जगह बालू मिला दी। कमीशन चाहिए ना, बोले कि इंजीनियर का कमीशन है कितना 100%, उसको कमीशन चाहिए, फिर उसको जो है कल का बना हुआ प्रधान फिर वो स्कॉर्पियो से चलेगा। मुझे जो है 5 वर्ष सत्ता में उस जगह रहा हूं जहां की इतना पैसा था, लेकिन हमारा जैसा मकान कल का बना था वैसे ही आज है। अगर मैं भूखा हूं तो मैं किसी अपने कार्यकर्ता से नहीं कहता हूं कि तुम्हारे यहां मैं आता हूं, मैं चाय नहीं पीता हूं, बिस्कुट नहीं खाता हूं, मैं रोटी नहीं खाता हूं, मैं घर ही में खाता हूं। हिंदुस्तान में मेरे ऊपर कोई एक व्यक्ति ये आरोप लगा दे कि मैंने किसी से, तुम क्यों बेईमानी करते हो, तुम्हें 50,000-60,000 मिलते हैं, गरीब का शोषण करते हो, ये जननायक कर्पूरी सेना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और ना होने। कह रहे थे इस तरह के बदतमीजी से बात करेंगे कि चल बैठ दे, बहुत समझना पड़ेगा दरोगा जी, इतना ध्यान कर लेना। ये मत दिमाग से निकाल दीजिए, 150 है, हम 2 पल लठ चला देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में 150 है, 75 जिले हैं, 100 की गिनती कर लीजिए, मजबूर होना पड़ेगा। वो घटना मत करिए जो अभी मरौली में हो गई है। इसी तरीके से जो है जोगिंदर के ही झुग्गी झोपड़ी की वजह से वहां प्रशासन ने आग लगा दी, जननायक कर्पूरी सेना आग को बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से, नैतिकता कानून के विधान के अनुसार जननायक कर्पूरी सेना लड़ाई लड़ेगी, मूर्खता की लड़ाई नहीं लड़ेगी जैसे आप लोगों ने भी लड़ाई लड़ी। मैंने कह दिया था कि अगर हमारे हमारे संगठन के अगर जिला प्रमुख अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं न्यायमूर्ति साहब से कह रहा हूं कि जंतर मंतर पर बैठिए धरने पर, आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है, कि कानून क्या है। इसलिए डरवाने और धमकाने का काम न करें, ये मेरा इस मंच के माध्यम से कहना है। अगर आप बुला लेते सम्मान पूर्वक, आप यहां से आते जाकर के 4 लोगों से जांच करा लेते, आपके विभाग है, एलआईओ है, विजिलेंस है, तमाम विभाग ऐसे गुप्तचर विभाग है जिनसे आप जांच करा, ये कृत्य किया गया है। इस कृत्य की वजह से वो लोग पैदल शांत तरीके से, कोई हमें जो संविधान कहता है संविधान के अनुसार हमको शांतपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करना है। मैं तो प्रशासन से कह रहा हूं ना,
नायब तहसीलदार आएंगे। नायब तहसीलदार क्या मतलब, नायब तहसीलदार तो आकर के कहीं चाय पीते हैं और कहीं पेड़े खाते हैं और वहीं तक चले जाते हैं। अगर इन लोगों के पास आए होते तो भाई पत्रकार महोदय अगर आए होते तो हमें आज ये मंच लगाने की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता है, हमें आपकी आवश्यकता है, आपको मेरी आवश्यकता है। हम एक दूसरे के पूरक है, शासन प्रशासन एक दूसरे का पूरक है। शासन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी गलत, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है, प्रधानमंत्री का आदेश है, शासन का आदेश है कि कोई व्यक्ति किसी को सताए नहीं, प्रताड़ित न करे, कारचर न करे, उसकी एक नैतिकता मानवीयता इंसानियत से बात सुनी जाए। इसीलिए थाने चौकियों में CCTV कैमरे लगा दिए गए, क्योंकि ये तो स्वयं का सब कुछ कर लेते हैं, जबकि हिंदुस्तान में आप नेट और गूगल सर्च कर लीजिए कि पुलिस की अगर कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो जनाए कर्पूरी सेना ने सुपात लड़ाई लड़ी है। और वो क्या लड़ाई लड़ी है वो भी मैं साफ कर दूं। ये जो 24 घंटे नौकरी करते हैं, 24 घंटे इनको छुट्टियां नहीं मिलती है। मैंने ये मांग पत्र में राष्ट्रपति तक को संबोधन किया है कि पुलिस को अगर डॉक्टर को सुविधा दी जाती है, अध्यापक अगर जो है 10 बजे जाता है 2 बजे छुट्टी कर लेता है, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी 10 बजे जाता है 2 बजे छुट्टी कर लेता है, किसी भी विभाग का कोई बैंक वाला है वो भी जो है इसी तरीके से पुलिस का परिवार है, पुलिस एक हम लोगों का परिवार है, इनकी भी जिम्मेदारियां, इनकी भी जरूरतें हैं, इन्हें समुचित छुट्टी दी जानी चाहिए, समुचित इनको छुट्टियां मिलनी चाहिए और इनकी ड्यूटी का सही आकलन के अनुसार 1860 एक्ट के अनुसार इन्हें भी नियम अनुसार जो है इनकी भी सुन करके और उसमें संशोधन करके इनको भी सहूलियत दी जाए। पाल नायब तहसीलदार आप मिले लिखे ना मना भाई प्रश्न लिखा कब दिया आज के तारीख उसके पहले जब SDM महोदय ने आदेश किया था, सुनिए समाधान दिवस पर ऐसो थाना में जो समाधान दिवस हुआ उस थाना दिवस में बाकायदे साहब ने आदेश किया, उसका आपने अनुपालन करा है? लेखपाल आया नहीं आया बुलाइए ना हमारे तीनों लोग मैं अभी आपके सामने ही संगठन से निकाल दूंगा। तहसीलदार SDM साहब से आपने कहा, हमने कहा महोदय आप आ जाइए और सत्ता को सत्यता के आधार पर पूछे, मेरी बात हुई लेखपाल जी से, लेखपाल जी से मैंने कहा चले जाइए जो हो, क्योंकि मैं तो वही वहाँ हूँ नहीं, क्लियर कंडीशन आपको पता, जैसे आप यहाँ थाने में तो यहाँ की असलियत तो आपको पता होगी, हमें कैसे पता लगी है जी? नहीं, हमने कहा वहाँ जाकर के जो सच हो उसको करा दीजिए दोनों लोग, और कोई अपवाद भी हो तो बैठ कर एक समाधान निकाला है। जितेंद्र जी ने भी हमसे कहा अध्यक्ष जी द्वारा जो भी मांगे की गई हैं उस पर हम पूर्ण रूप से विचार करेंगे और जो भी विधि संगत होगा उसके अनुरूप कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी। सब तैयारी नहीं थे अच्छा, हमारी आपकी रूबरू कहीं हुई आमने सामने तक, जैसे आज हम नहीं कभी नहीं, समाधान दिवस पर मैं ही बैठा था। अच्छा आप थे जब आदेश हुआ है SDM साहब ने किया था, हम आए उसी दिन आए थे, मैं वही बैठा था और आपसे व्यक्तिगत मैंने कहा था कि देखिए लोकल का थाने का मामला थानेदार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, राजस्व का मामला लेखपाल से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, हमें तो लोग इसलिए गलत भी बता सकते हैं, इसलिए गलत बता सकते हैं कि अपनी बात आदमी कहता है, लेकिन लेखपाल और पुलिस हर घर घर घूमती है। और सुनिए भाई साहब, और एक बात सुन लीजिएगा, लेखपाल आया जो भी है इसके पास, अब आपको फोटो भी है, पिताजी मिले तो उनका बड़ा भाई राजेश, जिसके नाम जिसने कोई कार्रवाई नहीं, राजेश तो काम नहीं सकता, तहसीलदार बुला लीजिए पहले तो इनको हटा देता है, ये काम अच्छा नहीं करेगा, आपका अलग चीज है, इनका कहना है, मेरा नहीं, नहीं 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 कहना मेरा नहीं नहीं,
अब तो जैसे इस मामले की जो आप बात इनकी जाँच इस मामले में वो आदमी बिल्कुल गलत है, इसलिए जांच कराइए कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति क्या ही बैठ कर अपना जो ये बैठ कर